अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां। आता राजर ऐं मूंसां गॾु आहे जनाब सिकंदर हुलियो साहब। महिरबानी तव्हां नाज़रीन, 11 मई ते थियल आम चूंडुनि खां पोइ जेको इक़्तदारु आहे उहो आवाम जे चूंडियल नुमाइंदनि हवाले थियण जो जेको प्रोसेस आहे उहो अॼु खां शुरू थी चुको आहे। अॼु सिंध असेंबली ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा असेंबलियुनि जा इजलास थिया आहिनि। उन्हनि इजलासनि खां पोइ हाणे स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर लाइ मुख़्तलिफ़ नॉमिनेशन्स बि जमा थी वियूं आहिनि असेंबली सेक्रेटरेट्स में। सिंध में पोजीशन इहा आहे त पाकिस्तान पीपल पार्टी पारां आगास राज दुरानी स्पीकरशिप लाइ ऐं शहला रज़ा डिप्टी स्पीकर लाइ पंहिंजा फॉर्म जमा कराइनि, जॾहिं त मुतहदा क़ौमी मूवमेंट ऐं फंक्शनल ऐं मुस्लिम लीग नून ते ॿधल जेको अपोज़िशन जो हिकिड़ो ॿियो इतिहादु आहे उन्हनि पारां 2 उमेदवार मैदान में आया आहिनि। उन ते असां डिस्कस कंदासूं। सभिनी खां पहिरीं सिकंदर, हाणे हिकिड़े पासे पीपल पार्टी जो आगास राज दुरानी ऐं शहला रज़ा आई आहे, एम क्यू में ख्वाजा इज़हारुल हसन खे ऐं हीर सोह खे नॉमिनेट कयो आहे, जेको ॿिया अपोजिशन जूं ॿियूं पार्टियूं आहिनि इरफानुल्ला मरवत ऐं उन सां गॾु नुसरत सर अब्बासी खे नॉमिनेट कयो आहे। तव्हांखे छा थो लॻे त एम क्यू एम पीपल पार्टी जे उमेदवार जे हक़ में हथ खणी वेंदी या जेके अपोजिशन जूं सभु पार्टियूं आहिनि शायदि एम क्यू एम बि उन में शामिलु थी वञे ऐं उहे को गॾियल उमेदवार आणण जी कोशिशि कंदा? त बज़ाहिर तासिर त इहो हो त एम क्यू एम ऐं पीपल्स पार्टी गॾिजी हुकूमत ठाहिणु वञी रहियूं आहिनि, पर हाणे इतलाह इहे अची रहिया आहिनि त शायदि पहिरें फेज़ में एम क्यू एम जॉइन न पई करे। अच्छा। ऐं लंडन में को हाईएस्ट लेवल ते पी एम एल एन सां एम क्यू एम जो राबितो थियो आहे, राबता कमेटी खे रीशफल उन्हनि कयो आहे। ऐं तव्हां ॾिठो त आमिर ख़ान जेको एम क्यू एम हक़ीक़ी जो रनमा हो ऐं उहो तौबा ताहिर थी एम क्यू एम में ही जेका मुतहदा उनमें शामिलु थिया, त कल्ह जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन में लीड रोल उन्हनि जो जिते फारूक सत्तार या को ॿियो रनमा हूंदो ऐं ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी ऐं नुसरत नईम में काफ़ी जेका पुराणी लॉबी आई आहे उन्हनि जी इहा कोशिशि आहे त हिन वक़्तु जीअं त मर्कज़ जे अंदरि हिकिड़ो वॾो महाज़ हुननि खे मुल्क में ऐं मुल्क खां ॿाहिरि अची रहियो आहे पी टी आई जो, पी टी आई एन जी मुखालफ़त में आहे, त हू चाहिनि पिया त एन सां थोरो मामिलो फ़िलहालु त इलेक्शन टपायूं मामिलो हलायूं। इन करे अॼु अनएक्सपेक्टेडली एम क्यू एम वारनि हिन खे ख़्वाजा इज़हारुल हसन ऐं हीर सोह खे स्पीकर डिप्टी स्पीकर लाइ ऐं होॾां वरी पी एम एल एन इरफान लाइ मरवत खे ऐं मुस्लिम फंक्शनल जी नुसरत सर कंदो आहे। इफ़ेक्ट थी रही आहे त शायदि हू पाण ॿई क्लब कनि ऐं पर इहो त वाज़े आहे त आगा साहब ऐं शैला रज़ा स्पीकर त थी वेंदा, पर इहो अगेन इहा फ्रेंडली क़िस्म जी इलेक्शन हूंदी ऐं हूअ उसूलनि जेको ॻाल्हि ॿुधी पई वई उन मुताबिक़ सां त इहो मामिलो एम क्यू एम खे न करणु घुरिजे। हाणे उमेदवार फील्ड कया इन मां मतिलबु आहे त हाणे सेकेंड थाट ते अची चुको आहे, हू पहिरें फेज़ में न पिया वञनि ऐं ज़ाहिर सुभाणे मुक़ाबिलो थींदो। न पर जेकॾहिं उमेदवार फील्ड करण त हिकिड़ी गिव एंड टेक थींदी आहे न असेंबली में, हाणे शायदि इन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां ॻाल्हाइणु चाहींदा हुजनि त हिकिड़ो इम्कान त इहो बि आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे उमेदवारनि जे हक़ में हथु खणनि या इन जो इम्कान हाणे नज़र तव्हां अथा। पीपल्स पार्टी सां जेका ॻाल्हि ॿोल्हि थियणी उहा हुनजी थी चुकी आहे, उहे मामला तय आहिनि, तय इहे आहिनि त ज़ाहिर एम क्यू एम जी प्रायोरिटी जेका आहे उहा सिंध आहे, पर हिन वक़्तु एम क्यू एम जी प्रायोरिटीज़ तब्दील थी चुकियूं आहिनि। एम क्यू एम बिल्कुलु कॉर्नर थी आहे मर्कज़ में ऐं उनखां वधीक बिल्कुलु एम क्यू एम दीवार सां लॻी आहे लंडन में ऐं इंटरनेशनल जेके सेक्रेटेरिएट्स उन्हनि जा न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, साउथ अफ्रीका में, जिते किथे प्रॉब्लम आहे। त हू जेको अल्ताफ हुसैन जेको केस आहे, जेके स्कॉटलैंड यार्ड खे कंप्लाइंस वई हुन, होम मिनिस्ट्री जेका यू के जा उते वई हुन, ऐं हू जेको पुराणो केस आहे इमरान फारूक वारो बि, त इन करे एम क्यू एम चाहे थी इहो जेको हुननि पंहिंजो पाण खे रीवैम्प कयो आहे, नई शिकिल तश्कील नो कई आहे, उन तहत हुननि कोशिशि कई आहे त कुझु माण्हू अॻिते पोइ ते कया आहिनि, पुराणा खणी आया आहिनि ऐं हू उते बि भांवर पिया कराइनि त जेकॾहिं को अहिड़ो भतो को प्रॉब्लम को टारगेट किलिंग कंहिं क़िस्म जी का बदमाशी हुई त असां हुनखे माइनस करे हिकिड़ो न्यू शेप ॾियणु पिया चाहियूं। उन तहत एम क्यू एम जी का हिन वक़्तु स्ट्रैटजी सम्झ में अचे थी त थोरो टाइम बींग हू वेंदा ऐं इहा पीपल्स पार्टी वारा बि त कनि था इन ॻाल्हि जी तस्दीक त हिन वक़्तु ज़ाहिर हाणे मर्कज़ जो बि उन्हनि खे मथे असूर कोन्हे, सिंध में बि हुननि खे का घणी परेशानी कोन्हे, बिल्कुलु वाज़े मैंडेट आहे त हू पीपल्स पार्टी बि अॼु हाणे पीपल्स पार्टी बि ज़ाहिर पंहिंजे हिसाब में थी ॻाल्हाए, अॻे में त ज़ाहिर परेशानी हूंदी जोड़ तोड़ जी, हाणे उहा घणी परेशानी बि कोन्हे का। हा, एम क्यू एम जी ज़रूरत पी एम एल एन खे पीपल्स पार्टी खां वधीक आहे छो जो सैनेट में हुनजी सीटूं आहिनि ऐं हाणे पी एम एल एन जो जेको अॻियूं टारगेट आहे उहो समूरा मामला सिधा थी विया मुल्क जे अंदरि। असेंबलियुनि जो मामिलो हल करे वरितो हुननि, चलो पी टी आई कंदी, हेॾां पीपल्स पार्टी कंदी, बलोचिस्तान जो मामिलो अटकियल आहे पर सुभाणे हुननि घुरायो आहे इजलास पार्लियामेंट्री पार्टी बलोचिस्तान जो, मियाँ साहिबु हुनखे मामले खे सेटल कंदो, पर हाणे ज़ाहिर हू अॻियां सैनेट में वेंदा, उन करे हू चाहिनि पिया त मौलाना फज़ल रहमान जी अॼु इस्लामाबाद में तला आहिनि ऐं काफ़ी मीनिंगफुल हुननि जी ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे इन सां, त जेके पी माइनस पीपल्स पार्टी जेतिरियूं धुरियूं सैनेट में आहिनि उनखे हू क्लब करण था चाहिनि, एम क्यू एम खे लूज़ नथा करणु चाहिनि। पर हाणे जेको सुवालु हूंदो त छा पी एम एल एन जेका एॾो हुनजे ख़िलाफ़ स्ट्रांग मौक़ुफ़ रखंदी रही आहे उहा बिल्कुलु नंबर गेम में अची
एतरो कंप्रोमाइज़ कंदी जे कंप्रोमाइज़ कंदी तो वो आसिफ अली ज़रदारी ते जेको कंप्रोमाइज़ जो मुफाहमत जो इल्ज़ाम हो तो पोत मना इक़दार में सब कुछ फर्क तो कोन रहंदो फर्क तो कोन रहंदो न पर हाणे हिकिड़ो त मुस्लिम लीग नून जो जेको मौक़िफ़ हितां ई रहियो आहे ॿियो जेको अहम शइ आहे उहो आहे ए पी डी एम तव्हांखे यादि हूंदो मतिलबु बेनज़ीर भुट्टो जॾहिं एक्ज़ाइल में हुई मियां नवाज़ शरीफ़ हो उन वक़्तु ए पी डी एम ठहियो ए पी डी एम पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी त ज़ाहिर आहे हुन जो हिसो न रही आख़िर में पर जेके धुरियूं हुयूं उनमें पख़्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हुई उन में बलोचिस्तान जो नेशनल पार्टी हुई ॿियूं पार्टियूं जेके अॼु इतिहादी आहिनि मियां नवाज़ शरीफ़ जूं ए पी डी एम जो फ़ैसिलो इहो त एम क्यू एम सां आईंदा इतिहादु न कबो त मियां नवाज़ शरीफ़ जी पोज़ीशन छा हूंदी जेकॾहिं उहो एम क्यू एम कई त तव्हां ॾिसो त जेके ए पी डी एम जूं धुरियूं पंजनि सालनि में तव्हां ॾिसो उन्हनि जी कुर्बत एम क्यू एम सां कॾहिं न रही ऐं बाइकाट में वयूं सवाइ बाइकाट में वयूं नून लीग आई अॻिते अच्छा पंज साल एम क्यू एम खे जेको शेल्टर ॾिनो उहो ॾिनो ज़रदारी साहिबु मुफ़ाहमत जे नाले में ऐं हाणे बि जेको एम क्यू एम खे रिस्क्यू करणु वञी रहियो उहो ज़रदारी साहिबु आहे पर ज़रदारी साहिबु पंहिंजा पता हाणे वहिरा एॾो धचको हुन खाधो आहे मर्कज़ में चइनी टिनी सूबनि में त हू थोरो केयरफुली हैंडल कंदो छो जो उहो जेको सुवालु आहे एम क्यू एम ते उहो मुल्की सरहदुनि में हुजे त हिते मामिलो हल थी सघे थो हीउ मथां हिकिड़ो ड्रोन आहे हुननि जे मथां ऐं ज़ाहिर आहे हुनजी जेके स्पीचिस आहिनि ॿिया प्रॉब्लम्स आहिनि उहे पंहिंजे जाइ ते पर हाणे तव्हां ख़बर आहे इहे घटि पाण खे ख़बर आहे अल्ताफ़ हुसैन जे बारे में घणी ॻाल्हि ॿोल्हि थिए थी अल्ताफ़ हुसैन जॾहिं आख़िरी दफ़ो बरतानवी शहरियत इख़्तियार कई त हुन पाकिस्तानी शहरियत क्विट कई अल्ताफ़ हुसैन इज़ अ नो मोर पाकिस्तानी नेशनल हाणे उहो बरतानिया जो शहरी आहे त इहो ख़ुदि सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि बि तव्हां ॾिठो पोएं हफ़्ते जेको आयो हिकिड़ो सुवालु हुननि चयो त जेका तव्हां वटि जेका पाकिस्तान में एम क्यू एम आहे उहा फारूक सत्तार जे नाले सां रजिस्टर्ड थियल आहे राबता कमेटी जे कहिड़े माण्हू जे नाले रजिस्टर्ड थियल आहे इहो कीअं मुमकिन आहे जीअं जेको हाणे इहे बहस हाणे खुलंदा पर हाणे मुल्क में बि खोलण वारी ज़रूरु टाइम वठंदियूं मीन वाइल इहो आहे त ज़रदारी साहिबु चाहे थो त थोरो एम क्यू एम भली पाण फेस करे छो जो अहिड़ो मामिलो आहे जिते को बि मामिलो ख़राबु करणु चाहींदा सो एम क्यू एम लॻी ईअं रहियो आहे अॼोके हिन महिल ताईं त सुभाणे हू इलेक्शन में कंटेस्ट करणु वञी रहिया आहिनि हा बाक़ी जेको तव्हांजी पहिरीं ॻाल्हि हुई त शायदि हू अॼु वरी ज़ाहिर आहे हुते हू बि त पंहिंजी जोड़ तोड़ कंदा फंक्शनल सां नून सां ऐं बाक़ी धुरनि सां मिली पोइ स्पीकर डिप्टी स्पीकर ते शायदि कंप्रोमाइज़ थिए पर आई डोंट सी त बाक़ी जेके फंक्शनल लीग आहे पी एम एल एन आहे हू एम क्यू एम जेके माण्हुनि जे नाले ते विड्रॉ करे सघनि था न उहो ई हाणे हज़ार एम क्यू एम वॾी पार्टी आहे सिंध असेंबली में त हू चाहींदी स्पीकर असांजो हुजे पोइ डिप्टी स्पीकर जी जेका स्लॉट आहे उहो तव्हांखे ॾियूं था त इहो अगेन वरी ॾिसजे त छा थो थिए मामिलो पर इहो इम्तिहान कोन हूंदो फंक्शनल लीग लाइ मुस्लिम लीग नून लाइ सिंध में ख़ासि करे त उहे जेकॾहिं एम क्यू एम सां गॾिजी पंहिंजा इम्तिहान था चओ मां त चवां इहो पहिरियों इम्तिहान आज़म हूंदो बिल्कुलु त तव्हां कल्ह ताईं जिन खे बिल्कुलु छा चइबो आहे त शरीयत जे दायरे में न आणे रहिया जेका सियासी हुननि जी शरीयत आहे सो कॉल्ड त अॼु तव्हां उन्हनि सां हिकिड़ी सिंपल अहिड़ी बागिन में जंहिंजे अंदरि वाज़े तौर ते इहा ॻाल्हि आहे त तव्हां इलेक्शन बि कोन खटंदा ज़ाहिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर जी पीपल्स पार्टी वटि सिंपल मेजॉरिटी आहे त पोइ ज़ाहिर कुझु उसूल प्रस्ती गेम उसूल प्रस्ती पहिरीं त कंप्रोमाइज़ थी आहे तव्हांखे यादि आहे पी टी आई जा ॿ मेंबर आहिनि सिंध असेंबली हिकिड़ो समर अली खान आहे उहो अतीका ओडो साहिबु आहे जेका उनजो उहो मुड़ुसु आहे उते सिंध में असेंबली में चूंडियो आहे उहो पाण आहे पी टी आई में उनजी मोहतरमा आहे मुशरफ साहिब जी जेका आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग लीग आहे उन्हनि जेको पी टी आई जा ॿ मेंबर आहिनि उन्हनि ख़ुदि सपोर्ट कई आहे कंहिंखे हुन धुरनि खे जेको फंक्शनल आहिनि जेके बाक़ी अपोज़िशन आहिनि त भई कल्ह ताईं त तव्हां होॾा एन जे ख़िलाफ़ु आहियो त पोइ या त तव्हां वसीतर मफ़ाद में पर इहो अगेन जेका लोकल पॉलिटिक्स हूंदी हर सूबे जो पंहिंजो पंहिंजो डायनेमिक्स हूंदो त सिंध में टे चारई इंट्रस्टिंग धुरियूं थी न ॾिसो हर सूबे जी पंहिंजी सियासी सूरत हाल त चेंज आहे पर आउं रुगो इहो पियो चवणु चाहियां त पंज साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते बि घणी तनक़ीद कई ख़ासि करे फंक्शनल लीग या ॿिया जेके दोस्त आहिनि पी एम एल एन में बि उहो ई ज़ाहिर आया आहिनि जेके माज़ी में पीपल्स पार्टी ऐं एम क्यू एम जे इतिहाद जे ख़िलाफ़ु जिदोजहद कंदा रहिया त हाणे उहे ई माण्हू जेके पंज साल हुनजे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाईंदा रहिया उहे माण्हू वरी अचनि था ऐं एम क्यू एम सां गॾिजी को उमेदवार बीहारनि था सभिनी खां वॾी मज़े जी ॻाल्हि त सिंध असेंबली जे अॼु 155 मेंबरनि हलफ़ खयों आहे अञा 13 मेंबर जेके आहिनि उहे या त रिज़र्व रुकियल आहिनि या उहे आया कोन उन में सभिनी खां जेको अहम नालो आहे उहो आहे अरबाब ग़ुलाम रहीम साहिब जो तव्हांखे यादि हूंदो 2008 जी असेंबली में अरबाब साहिब ने आया हलफ खणण आया हुननि जे मथां हिकिड़ो गुलन जी बिल्कुलु त हाणे त उहे यादूं पुराणियूं ज़ाहिर आहे उहे ज़हन में हूंदियूं अरबाब साहिब शायदि हिन करे न आया आहिनि या उन्हनि जा ॿिया उमेदवार ॾिनियूं रुकियल आहिनि अची वेंदा पहिरें इजलास में को कंडीशन न हूंदी आहे अचे त बाद में फर्स्ट जून ते उन्हनि जा नतीजा बि अची वेंदा थर जा बाक़ी त उन खां पोइ उहो अची खणंदा पहिरीं ॻाल्हि कई न जेका पहिरीं ॻाल्हि ॾिसो इहो पावर जेका पॉलिटिक्स आहे हिकिड़ी ज़ालिम शइ आहे
पीपल्स पार्टी तनकीद थी मुफाद में नाले में असी भी कह रहा हर मू कह हाँ तारीख के लाइन में बे तरफ अची वह बिल्कुल मरकज में आया सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत इं होंगी तक लगती जी पी एम एल एन की हुकूमत हुई पंजाब में लगन जो हुकूमत में ही को हम भी जाहिर शो कह पोट्रे कह प्रिटेंड कह पान के बावर कराइंदा तो असा तो बिल्कुल अपोजिशन में आयूँ उन पावर पॉलिटिक्स में बार्गेन थी ज़ाहिर बार्गेन में जो धुरू हाँ इंदी उही कह पीपल्स पार्टी कहीं रही है थोड़ा घो फर्क हों छो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो तो इो सागो ही सागो ही माना कुर्सन से चुटो रहो पकड़े रखो आ थोड़ो घणो फायदे के लिए थोड़ा घना मफाद थोड़ा घना असूल थोड़ा घना जबता अगत पुते करना को मसलो को दई वी मामलो थ्रू करो तो उन तहत जहर यो तो रवाज थी पॉलिटिक्स न ये जो बुनियाद पे जो अज नजर अचे पे इन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फायदा जैसे एम क्यूम उनकी इतादी नी बणे वे थी नून के पास तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वो ग्राउंड अर्ज क्या इन में तो विन विन होंगी पीपल्स पार्टी लाइ जम क्यूएम की जी रीशफलिंग थी लेटेस्ट इतला पे अचन तो हाँ सेकंड थॉट में पेजी वह पीपल्स पार्टी से न वनूँ अस मर्कज़ में एन से जुड़ू ए कुछ पीटीआई से रीअलाइनमेंट क्यों इन जो थ्रेट आ उनके नैशनल इंटरनेशनल में निकलूँ पार्टी के कढ़ूँ वो पाने जाए थे पीपल्स पार्टी ला फायदो थी एक तो एम क्यूम के इन झंझट में जान छुटंदी ज़ाहिर वो परफॉर्म बेहतर कर सकता रुगो पीपल्स पार्टी को सिंधी के मानों की तो जान एग्जैक्टली जान छुटंदी मथे इन मर्कज़ में वह सागी एम क्यूम बार्गेन कंदी तो मिलियन डॉलर सवाल होंद ए मिलियन डॉलर तनकीदन जहाँ तीर हूँ तो भाई तक कल इन यो चवंदा रहा हाँ तो मियाँ बल्कि कराची में वही टारगेट किलिंग कल 16 मू शहीद थे कराची के अंदर वो मामलो शुरू थी तो वो मियाँ साहब ला सवाल हों को कल पा चुं तो सिंध में डाकूराज जो खात्मो थो टे खात्मो वो क्या हों तो मियाँ साहब एम क्यूम जो मामलो भी ठहणो को पान में पर ज़ाहिर एम क्यूम में एक टैक्टिकल मूव तौर चाहे थी तो जी हाँ पर्यू पर्यू आए तो एतमादवार वोट आ मियाँ साहब जो कुछ बया इशूज कुछ सैनेट की वर्किंग आने चाहिए रख थोड़ा मामलो टाइम कढ़ थोड़ी गुडविल पैदा किया दहशतगर्दी है डाकूराज की गाल करूँ पर दहशतगर्दी ज़ाहिर पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियों विफाक की सियासत कन थी जो मरकज़ में कें न कें तौर पर हुकूमत सादी की पोजिशन में अचन थी ज़ाहिर उन्होंने मजबूरी है एम क्यूम से इतिहाद करण का सवाए उनके गड खड़ी हलण का सवाए कराची में जो दहशतगर्दी का मसलो है वो तो ज़ाहिर उन्होंने हल तो को निकरन अतः उनके लिए ऑप्शन एकड़ो यो है या तो एम क्यूम के सिंगल आउट कियो जी मियाँ साहब चवंदो रहो पीपल्स पार्टी के भी कच्छ में उनके कढ़ो हंज में कढ़ो उन सिंगल हैंडेडली पीपल तुम एम क्यूम के उर्दू स्पीकिंग आबादी अटैक न कियो तंजीमी स्ट्रक्चर शदीद बोहरान में एक तो जो यो वेठो आ उन इंटरनेशनल जो परदेही शहरी हेड आ अच्छा उनके छे कर भी उन मामले के बी जो एम क्यूम टेररिस्ट विंग आ अलग किया पॉलिटिकल मामले के अलग किया ये जो प्रोसेस की जो हवा ही बेहतर पीटीआई के शक्ल में या बिन हवालन से जैमें अर्बन एजुकेटेड वो क्लास निकतो इन रूम दियो तो ये बाकी एम क्यूम सफाया पा क्या पॉलिटिकल ग्राउंड से तो ये घण रुख किस्म के प्लान होंद ज़ाहिर एम क्यूम के काउंटर कर अकेली स्ट्रैटेजी ऑपरेशन तो कोने पॉलिटिकल ही मौको ज़ाहिर मौको थोड़ा अवेल थो रुको 5% अवेल थो तो एम क्यूम के रैंक्स में तो जिलजिलो बर्पा थी जैसे यो 50 हो जो जमात इस्लामी भी इन मामले में हो पीपल्स पार्टी खुद मैदान में इनके खिलाफ हो तो एम क्यूम के बारे में तो इंडिपेंडेंट एनलिस्ट चन पाया तो 4-5 MLA सीट्स ए 15-20 MP जो सीट्स लूज थी पगन प्यू या बिल्कुल थिन मार्जिन से खटे सदा तो योड़ो वाजिब मामलो है ज़ाहिर उनके लिए सभी धुरन के थेणो पवो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की चूं तो सुबह जो 9 सेशन कॉल थो उनमें वी उनका शाम जो 4 कायदे अवान की चूं थी है उनमें असो सदाबहार चीफ मिनिस्टर साईं कायम अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार है उनमें समझो तो को अपोजिशन के पर कड़ा नाला अची सकन था अत अपोजिशन की तरफ का नाला तो ज़ाहिर जी अज स्पीकर वा आया तो यह ही थोड़ी घनी वर्किंग होंगी ज़ाहिर एम क्यूम की तरफ का एम क्यूम वही जो गुडविल थी वही ज़ाहिर यो हाँ आखिरी मिनट्स उनके अंदर ही भी तो इतने फैसलो करा को में मामलो बुनियादी बीन जो धुरी ज़ाहिर पी एम एल एन ई फंक्शनल वे तो को सिम्बॉलिक को मू जरूर फील तो क्या चवन अज खुदा बख्श राजर साहब नाला वो तो अगमें फंक्शनल जैसे इलेक्शन के अगमें तो इन में हुई तो शायद वो हाँ हुकूमत ठाने की पोजिशन में हों सिंध में जहाँ वेव हली लोकल गवर्नमेंट का सिंध मान हाज साहब जो नालो थी सके तो एक बो पाने सकता पर नालन का अतः उनमें अहम गाल है वह यह है तो इन वक्त दिसूँ तो ये एम क्यूएम वो जो मामलो है वो कड़े तरफ तो वे जम क्यूएम में हाँ ओपनली सपोर्ट नी करें पीपल्स पार्टी के इन मामले में स्पीकर डिप्टी स्पीकर में कायदे अवान में जरूर को सवाल मानू जरूर पुछंदा तो आखिर कड़ो मथे में सूर आ आखिर कड़ी अड़ी तकलीफ आ जो तुम बार बार उन तरफ पे वो बाकी हू तो उम्मीदवार में हाजिर साहब थी सके तो मैट मेहताब राशिदी आ उनके फील कर सकन था
इम्तियाज शेख साहब यह सब का जो जो टॉप नालो आ चीफ मिनिस्टर बार में इम्तियाज शेख साहब के फील कंदा इम्तियाज शाह शेख साहब की तमाम पुरानी ख्वाहिश पूरी थी एमपीए थे सुबह शिकारपुर में सुबह जनरल सीट से सो यो वो आए तो शेख साहब उनमें मुझे ख्याल फ्रंट रनर होंद बाकी इतिहाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर लाए सीक्रेट वोट उनमें को पीपल्स पार्टी या मानू को तमाम रेयर आ छोजो दिसो पीपल्स पार्टी जो हि लॉर्डसन में चूंजी आई है दिसो असा तनकीदूँ क्यों मानन भी क्यों पर जाहिर मानन मैंडेट नो कुछ आरोज की मेहरबानी भी कुछ पीपल्स पार्टी की इश्तिहारी कैंपेन की मेहरबानी भी जो इंप्रेशन हो तो बाबा मरकज मुकमर न मिली तो सिंध में जरूर मिली और उनके मिली वही तो उतने जैसे को मानू कंद तो ढो मुश्किल हों नादरीन असा गड रहो अचूँ नड़ी साई का नाजरीन प्रोग्राम में बेहर भलीकार असा गाले पे सिंध की सूरत हाल से सिंध असेंबली जो अज इजलास जिनमें मेंबर हलफ खो है हाँ इतला ठटे में जो शिराजी बरादरान उन्होंने तादो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कई हुई उनके शिकायतों तो उनके जो हामी हैं उनका कारकुन हैं उनके खिलाफ़ इंतकामी कार्रवाई ठटे में शुरू थी सिकंदर यहाँ इतला इतने पहुंचन पाया शिराजी बरादरान उ दाऊँ खड़ी इस्लामाबाद में पौता पा सभी का पैर उन गाल बोल करे वठूं तो अयाज साहब मुझे खला लाइन अयाज शाह शिराजी जके नवा चुनेले में ने हैं वे हैं लाइन ते असना अयाज साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अयाज साहब ये इतला हैं तो ते इंतकामी कार्रवाई शुरू थी हुई ठटे जिले में ता जा हामिन के खिलाफ इन हवाले सा ता छा सा चवन चाहो अलामी सिलसिले में जे मु ते प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में 6 बजे इंशाल्लाह मुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय इलेक्शन का पो थी अज दिए ताई अर्न एफआईआर जकन से कटी हुई उन ठटे में जैमें मुझे बाबा जो सिटिंग है पैंजो एमपीए मुझे भाई से मुझे चाचा से शक्कर शाह से उन्हीं के अलावा जे भी असाजा सपोर्टर दोस्त उन सभी के अरह एफआईआर तकरीबन कटी हुई दहशतगर्दी जो उन्हीं के अलावा असाजा तलके नाजिम असा यूनियन नाजिम उनके खिलाफ पूरी एफआईआर एंटी करप्शन के थ्रू पाया कटीन तमाम जो उन्होंने घणों तंग किया ठटे जिले में पुलिस की मुख्तलिफ टीमों जैमें सियाई जो एस एस पी चौधरी असलम या एस एस पी थटा हसीब बेग या एस एस पी जामशरो क्रमवास उन्होंने मुख्तलिफ टीमों ठाईन जे शाम का निकरन था मुख्तलिफ गोठन में मुख्तलिफ शहर में असाया सपोर्टर के खी था वन उनके गुम कर छीन उनकी का जो गिरफ्तारी शो न थी पिए मुख्तलिफ केसन में उनके हिरासा किया पो वे मानून के असाजे उसे तमाम घणों जो तंग किया उन्हीं सिलसिले में अजी मूँ उसे इंशाला शाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो जे एफ आई एस वगैरह उ भी मीडिया से ेखारींदस तो भाई आखिर असाई मानून जो दो केड़ो अगर पीपल्स पार्टी की छड़ी उन्होंने असा वोट दिनों तो उन्हें ये मकसद करना है तो उनके रहने जो हक ना है या उनके वोट दियन जो हक ना है सही अच्छा जे ये मामला तुम बुधा पाया इन लाइन आला अदालत जो दरवाजो खड़कायो है सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में का पिटीशन वगैरह तुम विधिया इन हवाले से अज वन असा दोस्त जो हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सुबह इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में खुद जो दूर थन्दस खुद पिटीशन दाखिल क्या तो सुप्रीम कोर्ट में जो इजलास हल्दा तो उनमें इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर उन आदो की शिकायत रखा असेंबली में भी ऐसा उनके अलावा जो असाया उसे एमपी में या एमएनए धरणू हणी वही मुखरता कहीं असेंबली में बारह भाई असा आखिर छटे मानून से जुलम छो पे थे चाहे पीपल्स पार्टी के जरूरी है पीपल्स पार्टी के वोट दिन हर कें जमूरी हक है जे चाइन मूल वोट दिन अगर उन्होंने असेंगे वोट दिनों तो उन मकसद तो ना तो उनके छटे में रहने ही नो वो अच्छा अयाज साहब तांजी पांजी जेका है शिराजी फैमिली आ उनन जो वडो कंट्रीब्यूशन आ ठटे सियासत में पर जेके इलेक्शन आगे में तहां पीपल्स पार्टी में आया वरी वापस विया वरी तहां इलेक्शन लड़ी गुलाम कादर जेड़ो मानू तांके जॉइन कियो मोहम्मद अली मलकानी तां सा गड्डो वर हाने इलेक्शन का पो तां पीएमएलएन में आया तो गुलाम कादर ई मोहम्मद अली हल्या गया पीपल्स पार्टी में तो खुद तहां जे अंदर बे एकड़ो लगे ई पे तो को रदने में रोलो आ को प्रॉब्लम आ तां जे पांजी इत्तेहादन में तो वो की है तां पे समझो तो हाने वैर पीपल्स पार्टी है सा वधिक इंडर डीएम तांके मुश्किलातूं दरपेश इंदी तो की मोडीना तां ना दिसो इंशाल्लाह अल्लाह खैर कंदो अगले में सा मुखालफत में रहया सी 2008 में 4 साल पीपल्स पार्टी असन लड़ी उनके फेस किया तरह वफाकी हुकूमत भी उन्होंने हुई इन वक्त इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत के मरकज में असाजी है असो असा एतो बढ़ी ना नाजायजी जैसी हुकूमत ठे जरूर ये तो ना तो भाई वफाकी हुकूमत जो सिंध में बो कानून रखी टिन सूबे में बो रखी उनके अलावा असो पीपल्स पार्टी की जी टिकट वापस कई उन सबब हो टपी जरदारी छो जो गुलफाराबाद जो इशू हो और वो गुलफाराबाद जो बुनियाद रखड़ मूँ इन कर कबूल न कर बाकी मलकानी साहब वाले छड़
जो असा अलग थी जाति मर्जी है छोजे अगर पंज वोट असा उनके दियारियां तो उन्होंने भी असा वोट दियारियां उनन जी पंजी असा उनन दे पाबंदी न थानी सकू ज़ातियात जो अमल दखल थी असा जमहूरी हकू अस आजाद विड़ियासी आजाद विड़ी अस खटी पैं हैसियत अल्लाह की मेहरबानी से मंजरा अस आयासी अस जॉइन के नून लीग के तो वो असा हक उनमें यो तो ना तो भाई पीपल्स पार्टी छोड़ो असान विहन जो हकी ना है बाकी असानी का भी उन्होंने जाती जंग ना है वो अनाज मसलो समझी वही रहा है सभी सिंध में जो धांधली थी सब का खटे में धांधली थी उन बावजूद भी उन्होंने शिकस्त आई है उन्होंने एक सीट कई है पीपल्स पार्टी बी सीटू असा कई तो वो शिकस्त उन्होंने बर्दाश्त नी थे। अच्छा अयाज गुजरियल पंजन साल की तुम गाल कई पर असंगे तो पंज साल नजर यो आयो तो तुम पीपल्स पार्टी के वेझा रहे हो पीपल्स पार्टी को एडी वड़ी कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ को असाई खुशी शाह वा पे उतें तुम असा नजर इंदा रहो मुख्तलिफ कम कार भी रहा तुम कि चो तो गुजरियल पंजन साल में तुम्हारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल बिल्कुल चार साल परे रहते खुद एफ आई आर दाखिल थी असेंबली में रड़ी को रहासी काफ लीग में साथ दी मीडिया से इंदी मुते खुद पंज एफ आई आर दाखिल थी खून की एफ आई आर दहशतगर्दी की एफ आई आर मुख्तलिफ एफ आई आर पंज तो मुते शुरू में दाखिल थी आखिरी टाइम से असान मिनिस्ट्री मिली काफ लीग के करे जैसे पंज चार महीना बचा असान इन्होंने डायरेक्ट गाल बोल जैसे थी सोन कम न थे कह चुं डायरेक्ट गाल जैसे डायरेक्ट इन्होंने गाल बोल थी उन्होंने कुछ असा कम किया बाकी शुरू में तो शुरू का असा मुकाम रहा मीडिया में इंदो रो तो भाई कद असा कद बाबा से केस कद मुते केस मुख्तलिफ मानून से ये केस थन्दा रहा हुआ असान शुरू में तो वेझो न रहा हुआ बाकी हाँ इनशाला मतलब असान रहने न दींदा छा या असा एडो डप हो जाए तो असान खिलाफ वड़ो ही ना इलेक्शन अला खैर कहते जरूर कोर्टू असेंबलियों वफाकी हुकूमत है ये ना चीफ जस्टिस वेठो अगर ज्यादा असा तंग कर असान खिलाफ कोर्टून में वजूं था इनशाला तला ये तो ना तो असान असा विढ़ा रहा असा खामोश रही आखिरी जाती सवाल पुछ तो चाहे बार असा मोहम्मद अली मलकानी गड गड हूँ पूरा पंज साल वो एम एन ए तुम रहो गजी उन मोहम्मद अली मलकानी एम पी ए थो तम एन ए हो तुम्हारा साथ रो मोहम्मद अली मलकानी पर ओतो छे वन से तक जाती तौर से कि पा महसूस करो एडी दोस्ती एडो वो तुम साथ हो सियासत सियासत में कुछ थी सके तो उनमें को चई न जरूर इतादन करें इंसान जैसा कैसा वही पंज साल पैन अला करके जैसे पंज साल इंदा वो कैसा भी इतिहाद थी सके तो जरूरी ना तो मोहम्मद अली से नी थी सके मोहम्मद अली से वापस असा इतिहाद थी सके तो उन पान असा छो असा को छो जरूर तकलीफ इंसान है दोस्त असानी यकी रही है इंसान के तकलीफ तो थी जरूर इन गाल में कोई शक ना तकलीफ तो असंगे थी उन छन से पर इंशाला अल्लाह कह तो वही पंज साल जैसे इलेक्शन इंदी तो को बेहतर वही असो इतिहाद चाहो। अच्छा उन छन सबब पर्सनल के उन मसला हुआ तुम्हारा या वो दिसे पे ताने सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ठहे पई हुकूमत में शामिल थे ला उन राउंड जुदा कयो हन देखो ये का खबर ना है उन मु पेरी अर्ज कयो त भई हुन जेड़ा पंज वोट असा उन के दियारन त हुन जी पेंजे ऐसे त हुनन पर असा के वोट दियारन सही त हुन के पेंजे उन के बेहतरी नजर आई त भई आउ पीपल्स पार्टी में राम जी उन में बेहतरी आ इनी करे वो असा के उन चे भई असा जॉइन त कयो असा उन पे पाबंदी त न थेनी सग्या सी असा के उते पेंजी बेहतरी नजर ना ये ना है त पीपल्स पार्टी सा राबतो न कयो आखरी दिन में बिल्कुल राबतो कयो उनन पर उनके असा जवाब दूं तो भाई असा नून लीग से निर्णय तक ना अची सकूँ उन इंतजामी कार्रवाई शुरू उन जैसे असा जवाब दिनों उन बेदी का इंतकामी कार्रवाई शुरू थी चलो शिराई साहब वही मेहरबानी असा जॉइन करण की सिकंदर यहाँ सूरत हाल है जाहिर है इनमें केतरी सदाकत है कि है वह तो जो उन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं मानू बेहतर नमूने बुझा सकता पर ही दाँ खड़ी इस्लामाबाद पता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट गाल है तो अयाज तो डाडो पॉजिटिव जबरदस्त मानू दोस्त असो पर भी जो अहम गाल है वो है तो शिराजी फैमिली खुद पान के सोचन घुर्जे तो जिता भी उनका सवाल पुछो पर जाहिर काफ मा इतिहाद थे गवर्नमेंट हिस्सों वे आखिरी दिन में पीपल्स पार्टी में शामिल थे पीपल्स पार्टी से उन्होंने अड़ो दाव कर जो आखिरी दिन में उम्मीदवार फील्ड न कर सकिया वो मानू बिल्कुल उनके बिल्कुल उन्हें डबल क्रॉस किया हेडाम हेडाम है उनका पीपल्स पार्टी जड़ी तेड़ी हालत में इलेक्शन में वही कुछ सीटों लूज क्यों कुछ खटियों
हिनन जो की इत्यादियो जो मोहम्मद अली दोस्त बन जो जाती खुद मोहम्मद अली वंजन जाहिर मोहम्मद अली उस्मान हूँ जो आया गुलाम कादर मलकानी वगैरह ये मलकानी वरी जरदारी जो ट्राइब सब ट्राइब इनको जाती तालक उन जो उनको जरदारी साहब से हो आखिर में वरी जोड़ तोड़ थी वापस उन्होंने क्लब में फोल्ड में खड़ी वेतो पर शिराई साहब उतर निकता हाँ ये जो अयास तो गाल चाहिए बिल्कुल ठीक है जहर पीपल्स पार्टी की वोट ना तो रहने जो अस विक्टमाइज भी पर ये जो अवैस मुजफ्फर जो इशू आ जो टपी जरदारी पे चे तो उन्होंने उत काफ़ी शदीद थी उसे ठटे के अंदर जहर हूँ तो एम पी ए थो हाँ तक उत स्ट्रांग होल्ड ठाई जुल्फकार आबाद ठहणी आ कुछ बया मामला आने मलकानी से उन्होंने मिलाया हुआ तुम दिखो तो उन आखिरी दिन में पाँच सपोर्ट वे जो शायन जोग शरीफ की जो दरगाह उनकी वरती उन टीम आ मीडिया है जो एनर्जी स्प्रिट तुम दिसो तो अवैस मुजफ्फर जो पे अडन बारह दिन में नजर आया हुआ एतो चार पंज साल में नजर को आयो हर जगह एक्टिव आ वाइब्रेंट आ तुम दिखो जी मोहम्मद अली मलकानी आयो पे पार्टी में तो एक तरफ कायम अली शाह मोहम्मद अली वेठो एक तरफ अवैस मुजफ्फर वेठो तो वो कुछ जाती प्रॉब्लम हों पर ही गाल ठीक था चवन तो सारा अदले आए वफाकी हुकूमत आ सीजे आ बया मामला मुश्किल छोजो लॉ एंड ऑर्डर जो रेवेन्यू निगरान हुकूमत कम पे कर निगरान हुकूमत चवन ठाई अवैस मुजफ्फर ही जैसे टपी लफ्ज न चवन घुर्जे वो ममनू चवन थो हाँ जहर जैसे टाइम लगन उन लफ्ज में जान छाने में तो वो जो है सिंध सी एम जो इंतजाम है वह प्रो पीपल्स पार्टी ही प्रो एम क्यूम ही जैसे बारे में हाँ मुझे ख्याल आखिरी एक डी आ माफ़ किया वेचारन के निगरान हुकूमत की पार्टी के इशारन ते एक कार्रवाई उन्होंने शुरू कर छोड़ जाहिर आ मतलब वाजे आ कि जो अयाज चे तो मुझे जाती खबर ना है जो अयाज चे तो जै तरह से उन्होंने मानन के हिरास था कन मुख्तलिफ टीमू सारा सिंध के अंदर जो पीर मीर वडेरो वो पाने मुखालिफ के किए हिरास कह पुलिस वे मेरे टूल होंगी वे मेरे पुलिस जो टूल होंगे जाहिर केसिस जो टूल सारी मीडिया भी पीपल्स पार्टी पर ही जो गाल करे पे या जो इंटिमिडेशन आ धमकायण आ कई मानू के परसू करना यो ज्यादा पर्सनल लेवल ते थिंदो आ जाहिर एतरो अजा केस सही सूरत एग्रेवेट नथी आ जो वह मानू ये बिल्कुल जंप करे दुख में भरी अच्छे मीडिया ने पहुंचने मीडिया तरी को धक फट थो केस कड़ो को मामलो को सबूत होंगे ही अना फिलहाल तो जबानी कलामी मामलो हले पो उन करे मुझे ख्याल ना बी जो ठटे जी मीडिया है वो एक शिरानी साहब जो तालक जो वो खुद मीडिया से मानन सा मुते को एडो सुठो रहयो आ मीडिया क्रिटिक रही आ ठटे जी मां खुद विंदो रहयो आ तो जाहिर ही काफी अयाज ए शफकत साहब ए बिया वो काफी उनसा खुश न रहन नाइन रहया पर यो तो अगेन सियासत जो ए मीडिया जो पानी ही दसो हियर खई जे के दाऊ को शुरू थियो ने इनका लगे तो माहौल वधिक खराब थिंदो जे करे खराब थिंदो ता दिस जो ता ई जे के पीपल्स पार्टी दसो ना रुगो शिराजी ब्रदर्स आन एन सन आहेन हकीम बलोच बिया शफी जामोट बिया असलम अबड़ो बिया ही इरफान ला मरवत बिया एन नेशनल पीपल्स पार्टी बिया फंक्शनल लीग बिया यो वडो सिंध में महाज ठंदो ता दिस जो पीटीआई बन सा शामिल थीनी यो अड़ो मामलो थिनो जो ही जेको कुछ कंदा पीपल्स पार्टी वारा यो फॉर ग्रांटेड वतौं न कर घुर्जे उन्होंने जी पंज साल पुराणू इन जड़ो तड़ो मामलो हलो मुफाहिम के नाले में जहर अगर कोई सीरियस है किथे का वायोलेशन आ को जुल्म ज्यादती आ तो उन एक्शन तो होजन घुर्जे भले एन टी पी पी को वडेरो पीर मीर सरदार एम पी एम एन ए हो पर अगर तुम पर्सनलाइज कहना जी आया चे पे जी को टारगेट कहना तो प्रॉब्लम थी यार जाहिर नाइनटीज वाली सियासत हाँ हली नहीं सकती पाकिस्तान में जी अस मीडिया है अदलिया है प्लस असें तो नजर पंज साल में यो तो असि सियासी पार्टी माने मेच्योर थी वन वो इन किस्म की इंतकामी सियासत में हाँ मेच्योरिटी का हर को मेच्योर थी हर को जो वारदात करे तो बिल्कुल ग्राउंड का सुपर लेवल से सुपर स्ट्रक्चर लेवल मतलब जहनी दिमागी मामलो जोड़ तोड़ वर्किंग अड़ी शे जो कें कानून में दायरा मन कानून के दायराकार में को सबूत को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को लॉ को जब्तो अप्लाई नहीं सके पर अड़ो मामलो हो जो साइबर क्राइम आ नी सुपर साइबर क्राइम्स जो अंदर तुम कें मूँ हरास किया पुलिस के बारे में मशहूर है जो सचू कराइंदा तो गुजा दकड़ा जो जाहिर किथे न थे हाँ पर हाँ तो पुलिस वे एजेंसीज या मुख्तलिफ जो पैरामिलिट्री इदारा उन्होंने एडी जबरदस्त टेक्निक्स साइकोलॉजिकल जो मानू के तुम चौवीह कलाक में ग्राउंड कर सको जरूरत ही टाइम थे अगे ब्रेक जो नादरीन असा गड रहो अचूँ साई का वेलकम बैक नादरीन सिकंदर सिंध की सूरत हाल से पा काफ़ी तफसीली गाल बोल कई खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ठहण पी वे उत असेंबली मेंबर कसम खड़ी छोड़ो है करामतुल्ला चकरमटी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नॉमिनेट थियल स्पीकर हो गुजरियल पंज साल दौरान उन हलफ खणायो है उत भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर की चूंड सुभाणे ही थी ओवरऑल
जो अज नजर आयो एकड़े पासे तरीके इंसाफ इन इतादी जैमें आफ्ताब शेरपा जी है कोबी पार्टी उन जमात इस्लामी है बे पासे असो जे यू आई एन बी पार्टियों गजी वेठन अपोजिशन जो इजलास भी थो है तो ओवरऑल केपी की हाँ हुकूमत किए बारे तो लगे ये पे तो इमरान खान ला तमाम वो चैलेंज होंगी इन हुकूमत के बुनियाद से ही पाल वरी इमरान खान के फ्यूचर जो जो है वो तयन सजे मुल्क जो जहर मान सामूँ मिसाल सामूँ इंद तो क्या था हुकूमत कन बो उ अपोजिशन जो किरदार मौलाना फजल रहमान सामूँ है उन तमाम घड़ी कोशिश कई तो को माइनस पी टी आई अस हुकूमत ठाकूँ पर मियाँ नवाज शरीफ और बहुत जो मुल्क दुनिया उन्होंने मियाँ मौलाना साहब की कोशिश भी कामयाब थे नी तो हाँ सूरत क्या थी नजर अचे अच्छा पी टी आई जिस तरह से स्विप किया मतलब वाजिब मेजॉरिटी आ के पी में असेंबली ठाण तुम सही चो वो चैलेंज होंद उन बुधन में यो पे इमरान खान एक स्पेशल एक टास्क फोर्स या टीम पे ठाए जो गवर्नमेंट के मथा मूव कंदी ऑपरेट कंदी पॉलिसीज जैसे अंदर वो टारगेट पे कन हेल्थ एजुकेशन कुछ गवर्नेंस म्यूनसिपल बया मामला पर कुछ पॉलिसी इशूज इन के पी से रिलेटेड मसलन के पी जो नंबर वन इशू आ वॉर जंग लाश खड़ी खड़ी मानू मारे मारे माराए माराए वो बिल्कुल थकी चुका नंबर टू आ जो चवन पा ड्रोन अटैक्स इंट्रूजन आ बॉर्डर त जाहिर वो सजो जंग से रिलेटेड आ उन में ओबामा डनी आ बी टे ढी अग वाजे स्पीच वो ड्रोन फिलहाल बंद को पा कन घटाइंदा प्रॉब्लम एतो सीरियस न हों जो पोई हुकूमत के हो जाहिर यो ड्रोन जो नैशनल बॉर्डर से फ्रंटियर्स जो मामलो आ यह नैशनल गवर्नमेंट जो मियाँ साहब की वह डील कदी उन पी टी आई के लिए वो चैलेंज जो होंगे वो पहली गाल तो वाज थी तो पी टी आई का इनकलाबी पार्टी को आई मसलन शेरपाओ से भी मसलन सवाबी इतिहाद से भी मसलन इंडिपेंडेंस से पैचअप करे वो परवेज खट जो खटक साहब खो अथ चीफ मिनिस्टर या जो असद कैसर उन्होंने स्पीकर नॉमिनेट किया उत खुद भी जड़ो टग ऑफ वार हुई इंटरनल उ कें सैटल कई पर यो तो तमाम वो सवाल है ना तो जैसे रिवायती सियासत जहाँ चो तो मुखालिफ हूँ अस इनकलाब आनी नव पाकिस्तान ठाईंदी तो वो मू असद कैसर जो उन्होंने पार्टी जो सदर हो जिदोजहद भी कई पार्टी से इमरान खान जवाब दिनों पा तो चे तो एज आई एम द कैप्टन लीडर मुखबर टीम्स कें ठहद वाकई वो जो चवन अस खिलूँ पा इलेक्शन का अगर में सब मू तो पी टी आई 30 सीटू 40 सीटू हाउ इज इट पॉसिबल तो नंबर टू पार्टी मर्च थी पीपल्स पार्टी थर्ड फोर्थ से वी पर उन्हें करे भी दिखारियों के लिहाज का वो चे पे तो भाई ये मू ये हूँ छो इलेक्टेबल्स गिवन असेंबली आ ये चेहरा इो ही है असद कैसर इो ही खटक साहब आ इो ही शरपाओ आ हाँ जहर इन कम वो हाँ वो ऐसो जो पॉलिसी ने डी फ्री फेयर इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंसी मेरिट होंगी अकाउंटेबिलिटी होंगी केपी के अंदर करा न परवेज खटक असद कैसर में जैसे जाहिर है इनकलाबी पार्टी माता रीजन था वो हि जो खटक साहब आ वो रो अगम शेरपाओ के पार्टी में हि अगम पीपल्स पार्टी में रो जहा बेहतर लिंक अठ का नव सीट्स हुई शेरपाओ साहब के पार्टी में यार जोड़ तोड़ में हर मानू तो हिसाब किताब सोचे तो ना उन सोचो तो बजाय जो इं न थे जो सुबह शेरपाऊ पीएमएलएन जो तुम जमियत उलमा इस्लाम फजल रहमान मौलाना जो पर लगो पो पतो कटने में ये सब मिली पीटीआई रस्त ब्लॉक कन तो इमरान खान एक काउंटर मूव उन्होंने जो मौलाना हालांकि हिपर एक्टिविज्म शो कर जी इलेक्शन थी बे ढी का कम शुरू कर मियाँ साहब उनके बिल्कुल डिस्करेज कर मौलाना के मथे पे राजी कर मौलाना जहाँ बे इशूज मथे गुजल 15 साल का कश्मीर कमेटी की सरबराही इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सरबराही हाउसिंग की मिनिस्ट्री एक अद बी मिनिस्ट्री ए मौलाना साहब जो हलवे जो खर्च आ मतलब हलवो कोटन कोट आ उनके अंदर बी शूं हूँ वो जो हुकूमत पूरी करे जरदारी साहब भी पूरा कौ तंगा तो मुशरफ साहब भी पूरा कौ उन अग में यको सिलसिलो रो जिया साहब के दौर में भी मामलो वाल साहब हो तो उनके नजरियाती मामलो जाए थे पर उन सूरत हाल में इमरान खान उनके बिल्कुल काउंटर किया हाँ इमरान खान जो टेस्ट शुरू थी अज का बिल्कुल अज का कसम थी जहर स्पीकर डिप्टी स्पीकर इंदा तो कायदे अवान इंदो के पी जो उन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ठंदी उन भाई वह चवन तो असं बायदा वर्क प्लान ठाईंदी क्वार्टरली या वट एवर 100 डेज जो तो रवायती हों तो भाई ही टारगेट्स पैसों तमाम वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की अगर इमरान खान चाहो इमरान खान एक ऑनेस्ट मानू आ तमाम क्लियर हेडेड मानू आ वा रगड़ा खाधा हाँ उन जिंदगी आखिरी हिसाब किताब आई वी तो आखिर में वो जलसे में करीब पाया सेहत भी लॉस थी तो कर चाहिए चाहे तो के पी के मॉडल कर सके तो मुल्क के अंदर हाँ ये इमरान खान जो टेस्ट केस आ चे तो बिल्कुल मुझे क्रिटिसाइज भले क्यों पर मुझे छो तो क्या तो हाँ उन टे मामला करना पवन उनको यो तो के पी की गवर्नमेंट जो है वह इक्वली करप्ट आ इं जी
चारई मुल्क जो हुकूमतूँ पंजी सेंट्रल गवर्नमेंट करप्ट ब्यूरोक्रेसी वह सागी ज़ाहिर है सी एस पी ए जो प्रोविंशियल सर्विस ग्रुप मल्टीनेशनल कंपनी वागर हल चाहन तरीके इंसाफ वा सूबे के न पर उनमें मल्टीनेशनल कंपनी के अलावा ज़ाहिर वो एंग्रो बैंग्रो सदुमर भी जो लॉबी है वो तो उन्होंने काफ़ी अड़ा मूँ भी पर न उन अलावा आप ऐसो केपी के अंदर इमरान खान के बटे एडवांटेजेस ही चवन था अस प्रायोरिटी कहते सेहत तालीम की जो चाहन था तो केपी के हर जिले तालके में भला मुख्य बुधा 18th अमेंडमेंट का एडो जो कुरैशी साहब चवन चार पौ अरब इजाफी मिलिया एक हज़ार अरब जो ऑलरेडी बजट है एवरेज पाकिस्तानी गिवन सूरत में सूबन जो थोड़ा घो फर्क सा उन में तुम हर ताल के यूनियन काउंसिल ममन खान जुड़े जो पंज नुकाती प्रोग्राम आंदो अज भी तक दिसो डिस्पेंसरियों बी एस यूज मिलन था सिकंदर इन वक्त पा मुख्तलिफ तजिय नगारे प्रोग्राम में गलाया वह भी बुधा रहूँ था तो केपी में बी हुकूमतू भी ए एन पी की भले कैदी करप्ट हुकूमत हुई पर गुजरियल पंज साल दौरान एजुकेशन ए हेल्थ एजुकेशन हेल्थ कम्युनिकेशन तुम ठीक रखो करप्शन जो वैर करप्शन अचानक खत्म नी स्ट्रक्चर से सिस्टम से जो करप्शन बाकी टिनी शेयर में केपी तक अगत नजर नम्युनिकेशन जबरदस्त है कश्मीर जबरदस्त है पंजाब जो डिंडोरो पिटबो तो बबा एतो मामलो सही है पंजाब के अंदर सजो पंजाब न तो पंजाब के अंदर टे चार पॉकेट्स सेंटर आ साउथ आ नॉर्थ आ कुछ वरी उन्हें अंदर सब पॉकेट केपी दिसो केपी की एजुकेशन अंदाज़ तो पान के इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं तमाम कंपनीज हैं तालीमी इदारा उते किए पान के हावी नजर आता है उन जो रीजन है वार ऑन टेरर खां अग में जो अफगान वार शुरू थी टीन साल दौरान इंटरनेशनल डोनर्स इदारा उते बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए ने हुकूमती तरजीहात उन का पावर केपी सिंध में पैसा नया अरबे डॉलर असावट कोना है सिंध के अंदर इतरो फंडिंग वॉल्यूम ना अगर ये फंडिंग वॉल्यूम जो इशू है बस ना है पर सिंध में तो बोल रहे हैं मानू तो कम कन था कम पे है पर जाहिरा केपी के अंदर खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट इमरान खान जो पहली चैलेंज वॉर में निकल जे उन दिला उन नानी समीर लक मौलाना फजल रहमान खान को समीर लक वाला ग्रिड यूज करता चाहे उन वा निकता नवाज शरीफ वो जो हाल तो बेहतर थी तो केपी के अंदर दिसो तो केपी के अंदर भी पॉकेट्स ने एकरो जो हेडो वालों पासो साउथ वालों एकरो पेशावर वैली वालों आ एकरो वही जो है हजारा वालों उन जनर केपी के अंदर भी को जबरदस्त हजारा वारे ते वारन टेरर जो असर कोने पर उता जी इंडस्ट्री तो मुतासर थी ना बिल्कुल जको एप्टाबाद वारी या जको हरिपुर वारी या ओवरऑल सजो मुल्क मुतासर आ सारा केपी सजी मुतासर थी तो उन जनर ही निकरन चाहन था इमरान जो वडे मेरो टेस्ट केस हुंदो एजेंडा हान ई वात हो एजेंडा जन केडी था हनमल ते मंशूरन जी जबानी गाली उन हान जने कायदे अवान ई खटक साहब इंदो कसम खणदो पर ई एजेंडा 100 डेज जी छादो दे उन का 100 डेज का पो मेयरमेंट थी निशा थयो उन का पो साल अंदर छादा कन पंजन सालन में चाहन त जबरदस्त कम करे ओवरऑल दसो उते अपोजिशन पे जन के तमाम सुठी मिली है सरदार मेहताब अब्बासी नॉमिनेट किया है मुस्लिम लीग नून जो पार्लियामानी लीडर उन्होंने पीपल्स पार्टी वट खैर नाले मात रहे पर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप है तो अपोजिशन जो बिकड़ो ने मुसलसल लिखो प्रेशर हो भी मियां साहब जो तो अहम पॉजिटिव रोल आ हुन हु के किस्म में ट्रोड फोर्ड में केपी बनाए छो मियां साहब समझे पियो तो केपी संदस प्लस पॉइंट आ केपी अंदर ही जो पश्तून लिंकेज आ जे बिना ते वोट मिलियो आ लेट इमरान खान प्ले हिज ओन कार्ड्स तो की तो खेदी नंबर कलम मियां साहब जी एकड़ी गाल आने आखरी प्रोग्राम टाइम खत्म बे थे तो पंजाब अकलमंदी सा वोट दिनु सिंध जज्बाती दिनु जज्बाती दिनु सिंध रवायती दिनु रवायती दिनु केपी जज्बाती दिनु आई बलूचिस्तान नून के ना हुन चो बलूचिस्तान ट्राइबल दिनु आई नून कामयाब नून के कमान भई हाने होते चो था तो नून के मिलियो पंजाब के अंदर वोट तो रैशनल आ अकलमंदी आ वर्जित ट्राइबल आ यो रात यो सवाल थे कई जाय ते तो भाई यो की मुमकिन आ जेका रैशनलिटी आ उआ जेका ट्राइबलिज्म आ बलूचिस्तान सब की मिली हुई खैर मियां साहब तो हाँ अजकल जिते जिते स्पीचेस कंदो तो ऐसो तो हो रहा है मामलो खुलन हो मियां साहब पावर क्राइसिस के हवाले से गलायो उनते पान के अलग प्रोग्राम करनो है तो ही मानू पीपल्स पार्टी ते तनकीद हमेशा कंदा रहया तो मियां साहब तो कल सागी तकरीर में पावर जी डेडलाइन नहीं उन जो टाइम लगंदो के 3 का 5 साल लगंदा यानी के एडो अरसो गुजरियो 5 साल पीपल्स पार्टी की गाला एकड़ो जो प्लान छायो है तो इमीडिएट रिलीफ सर्कुलर डेट का अग में कुछ बीहू जो नॉन फंक्शनल यूनिट्स वर्किंग कन तो ही अजाब जो आ ना 8 का 18 20 कलाक वो खत्म मतलब एडी तकलीफ मामलो इंदो वरी मौसम में तब्दील थी ज़्यादा 3-4 महीने का अक्टूबर का तो उन अंदर इन अंदर प्लसिस हूँ ये चाहन ए मियाँ साहब चाहन छो सी सर्कल एग्रो बेस्ड है वह इंडस्ट्री बेस्ड है उन बिजली घुर्जे गैस घुर्जे एनर्जी का जरिया घुर्जन सजो पंजाब उन अद बंद लगो पे तो ज़ाहिर उनके हलन चाहिंदा तरक्की जो फीथो है उनको तदें फिर जैसे ज़ाहिर बिजली का फीथो फिर चलो वही सिकंदर नाजरीन असा गाल सिंध खैबर पख्तूनख्वा
गरु गरु ठटे जे शिरादी ब्रादरान पारा जी शिकायत हुई जी खी हुई इस्लामाबाद पता है वह भी असें नादरीन के आडो रखी है ठटे की सूरत हाल है उन बाबत ठटे या मानू आगाहन समझन था पर असा एक दाँ हुई शिरादी ब्रादरान की पीपल्स पार्टी की हुकूमत जहाँ इक्तदार में ही ना आई अजा असेंबली कसम खो है उन अग में ही इन किस्म की जैसे सूरत हाल है तो अड़ी सूरत हाल का पासो करण घुर्ज टकरा की सियासत न सिंध के मफाद में है न सिंध के मुख्तलिफ इलाक में मुख्तलिफ जिलों में रहद मानू जन मफाद में है ज़ाहिर गड़ी हलण से ही सिंध के मानू की बेहतरी थी सुबह तीन असा दींद इजाज़त अल्लाह वाही।